हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। देश के कोने कोने में टैलेंटेड लोगों की भरमार है, जिनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होते हैं। ऐसी एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुकेश थापा की। बचपन से ही अनोखी प्रतिभा के धनी मुकेश थापा ने चौथी कक्षा से पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। उनकी पेंटिंग सबसे अलग होने के चलते परिवार के साथ टीचर्स और सहपाठियों का भी उन्हें प्रोत्साहन मिलने लगा और मुकेश ने इसी फील्ड में करियर बनाने का मन बना लिया। सर, आपको पेंटिंग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से आप पेंटिंग कर रहे हैं? और जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था तो मैं स्कूल टाइम में पेंटिंग बनाया करता था और उसमें मैं कागज़ में बनाता था पेंसिल से, और उसमें मेरे अध्यापकगण और मेरे जो सहपाठी थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब इसको देख के बहुत इम्प्रेस होते थे। फिर मैं वाटर कलर किया करता था कागज़ पे। उस समय काफ़ी मतलब मुझे मेरी पेंटिंग अच्छी होने के कारण मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता था। कितनी पेंटिंग सर अभी तक बना चुके हैं और कितने साल हो गए आपको बनाते हैं? अब तक मुझे पेंटिंग बनाते पूरे 32 साल हो गए हैं और इस साल में मैं मतलब कि 600 या 1000 से ज़्यादा पेंटिंग में बना चुका हूँ और प्रैक्टिस पेंटिंग इसमें शामिल है काफ़ी ज़्यादा। बात की जाए एक ब्रश एक दाढ़ी के बाल से भी आपने एक पेंटिंग बनाई थी, कितनी उससे पेंटिंग आप दाढ़ी के बाल से बना चुके हो, कितनी एग्जीबिशन में जा चुकी हैं? जो दाढ़ी से एक बाल से बना जो पेंटिंग था उसका एक अलग कंसेप्ट था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से कार्य कर रहा था तो मेरे हाथ में कमांड आ चुकी थी, तो मैं कुछ यूनिक करना चाहता था ताकि दुनिया का ध्यान आपकी तरफ आए। तो मैंने सिर्फ एक बाल से पेंटिंग बनाने का ठान लिया, जिसमें मैंने दिन रात 6 साल तक इसकी प्रैक्टिस की और इसको मैंने एक साल में तैयार किया। हैरानी की बात यह है कि मुकेश ने इसके लिए पेंटिंग की कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के दम पर मुकेश वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार के रूप में नाम कमा चुके हैं। शौकिया तौर पर शुरू की गई पेंटिंग को मुकेश ने प्रोफेशन में बदल लिया है। बकौल मुकेश, कला की परख रखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो कलाकार में हजारों खूबियां देख लेते हैं। ऑयल पेंटिंग में महारत हासिल कर चुके मुकेश अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाने में अपना अलग मुकाम प्राप्त कर चुके हैं। ऑयल पेंटिंग में मुकेश रियलिस्टिक कार्य करते हैं। करीब 33 साल से पेंटिंग कर रहे मुकेश ने बताया कि उन्होंने यूनिक करने की सोचते हुए एक बाल से पेंटिंग बनाने की ठानी और बना भी थी, जो कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। वहीं देश और विदेश में कई अवार्ड जीत चुके मुकेश थापा का कहना है कि उन्होंने बिना किसी की सहयोग या मदद से अपना नाम कमाया है। विदेशों में भी मुकेश की कृतियों की प्रदर्शनी लग चुकी है। मुकेश थापा ने कहा, बड़ा बनने की सोच रख कर आज के दौर में लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरज रख कर लगातार प्रयास करने चाहिए और अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है।